हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग आरसीसी पढ़ने वाले हैं, आज एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन में, आपके पीटी बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका बीम का ही डिज़ाइन करेंगे, बीम में का ही हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन बीम में आपको जनरली जो शियर होता है, शियर फेल्योर को हम लोग कैसे बचाएं, ठीक है, क्या ऐसा करें कि आपका जो शियर में बीम फेल होता है उसमें वो बच जाए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। जनरली इसके लिए क्या होता है मैं बता दूँ, थोड़ा सा अभी आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि शियर में क्या होता है कि जो आपका जो भी मेंबर होता है, ठीक है, किसी भी हम लोग क्या करते हैं सेक्शन पे जितने भी फोर्स एक्ट करते हैं, उस एक्ट के कारण, उस फोर्स एक्ट के कारण क्या होता है कि जो आसपास के जो तल होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सरकने की चेष्टा करने लगते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा होने लगता है, कुछ ऐसा होने लगता है, यानी कि ये जो ये सेक्शन देख रहे हैं ना, इस सेक्शन पे हम देख रहे हैं कि जो ये आपका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ है और कुछ हिस्सा आपका नीचे की तरफ सरकने लग रहा है या फिर सरकने की चेष्टा भी कर रहा है। तो इसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, कर्तन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अपरूपण भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के फेल्योर के टाइप आते हैं इसके अंतर्गत। तो जनरली जो होता है इसमें फेल्योर टाइप के होते हैं, अगर शेयर में देखा जाए तो तीन टाइप होते हैं। जनरली जो पहला होता है आपका वो होता है डायगनल टेंशन फेल्योर। क्या होता है, डायगनल डायगनल टेंशन फेल्योर, ठीक है, डायगनल टेंशन फेल्योर, ओके। इसमें क्या है कि इस केस में लार्ज शियर फोर्स मिलता है, लार्ज शियर फोर्स, ठीक है, बट लेस लेस बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और ये जनरली जो हमारा फेल्योर होता है आपका डायगनल टेंशन फेल्योर, 45 डिग्री विथ विथ ओरिजेंटल विथ ओरिजेंटल। ध्यान से देखिएगा, आपको जो डायगनल टेंशन फेल्योर होता है इस केस में लार्जर शियर फोर्स होगा लेकिन लेस बेंडिंग मोमेंट होगा। और जो इसमें फेल्योर हो रहा होता है जनरली क्या होता है, ओरिजेंटल से 45 डिग्री हो रहा होता है। जैसे जैसे आपका ये फिगर है, ठीक है, हम देखेंगे जो आपका फेल्योर होता है जनरली 45 डिग्री पे होता है विथ हॉरिजॉन्टल। ये आपका फैगला फिगर आप इसमें चाहो तो बना सकते हो इस तरह का कि आपका अगर डायगनल टेंशन फेल्योर होता है उस केस में लार्जेस्ट शियर फोर्स एंड लेस बेंडिंग मोमेंट, और कितने पे फेलियर होता है तो 45 डिग्री पे होता है। ये आपका होता है पहला डायगनल टेंशन फेलियर। सेकेंड आता है आपका फ्लेक्सुरल शियर फेलियर। सेकेंड आता है आपका फ्लेक्सुरल शियर शियर फेलियर, ठीक है, फ्लेक्सुरल शियर फेल्योर, इसमें क्या होता है, इस केस में आपका लार्ज लार्ज बेंडिंग मोमेंट लेस लेस शियर फोर्स, जस्ट अपोजिट है आपका डायगनल टेंशन फेल्योर के। लेकिन यहाँ पे जो आपका फेल्योर होता है वो जनरली नॉर्मल एट 90 डिग्री होता है, ठीक है, नॉर्मल एट 90 डिग्री, नॉर्मल एट 90 डिग्री, ओके। तो इस चीज़ आपको याद रखना, जैसा कि डायगनल में क्या था आपका 45 डिग्री पे, लेकिन फ्लेक्सुरल में क्या होता है आपका 90 डिग्री पे। तो जैसे इसका अगर फिगर बनाना चाहें
कुछ ऐसा फिगर बनेगा। कुछ ऐसा बनता है यहाँ पे, ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे दिखाया गया है एक्चुअली में, ठीक है 90 डिग्री पे एकदम इस तरह, ठीक है इस तरह। ओके थर्ड आपका फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है आपका डायगोनल, डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर, कंप्रेशन फेल्योर। इस केस में क्या होता है, कब आकर्ष होता है, जब आपका लार्ज शियर फोर्स होता है, हम कह सकते हैं इट ऑकर्स, इट ऑकर्स लार्ज, लार्ज शियर फोर्स, इट आकर्स लार्ज शियर फोर्स। कंक्रीट इसमें क्या होता है, फेल करता है, और वो जनरली क्या होता है, फेल्स मतलब क्रश हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें इसमें जनरली कंक्रीट होता है वो फेल कर जाता है, कंक्रीट फेल्स, फेल्स का मतलब वो क्या होगा, क्रश हो जाएगा, ठीक है क्रश हो जाएगा। जैसे अगर हम इसका फिगर बनाएं, अगर हम इसका फिगर बनाएं, अगर थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना रहा हूँ, मुझे ये जस्ट फिट, ठीक है। क्रस फॉर्म में जनरली क्या होता है, अगर फ्लोर कंक्रीट फेल्स दिखाते हैं क्रस में, या फिर कंप्रेशन फ्लोर दिखा रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं हम इसको इस तरह से डिनोट करते हुए दिखाते हैं, ठीक है इस तरह। ओके ये आपका होता है तीन तरह के आपके फ्लोर। ओके अच्छा अब बात आती है, जब हम डिजाइन क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कब आपका शियर इन्फोर्समेंट देना चाहिए, कब आपको सेक्शन बढ़ाना ज़रूरी होता है, तो इसमें आपके तीन टर्म आते हैं, इसमें आपके इस दौरान जो आपका तीन टर्म आता है। पहला आता है नॉमिनल, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। दूसरा होता है आपका डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम, डिजाइन, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम, ऑफ कंक्रीट बीम, ठीक है। और सबसे थर्ड वाला जो होता है आपका, इसमें जो थर्ड होता है आपका वो होता है आपका मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस। क्लियर, ये तीन चीज़ होते हैं आपके, ठीक है। तो हम एक एक करके उसके फॉर्मूले के साथ, उसके कंडीशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला करेंगे आपका नॉमिनल, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ओके इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जो आने वाला स्ट्रेस होता है उसको जनरली हम लोग बोलते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस। और ये जो होता है आपका, इसको जनरली हम लोग टॉवी से डिनोट करते हैं, और इसको
इस फार्मूले से हम लोग जनरली फाइंड आउट करते हैं वी यू अपान बी इंटू डी। इस फार्मूले को आप लोग दिमाग में रखिएगा, जहाँ जो आपका व्यू होता है वो आपका फैक्टर्ड शियर फोर्स होता है। फैक्टर्ड लोड के कारण जो आपका शियर फोर्स बनता है वो आपका होता है, यानी कि फैक्टर्ड कर सकते हैं फैक्टर्ड शियर फोर्स। सपोज डैट आपका कोई शियर फोर्स की वैल्यू दिया हो और वो फैक्टर्ड ना हो। मैंने आपको लिमिट के केस में बताया था, जब फैक्टर्ड करना होता है तो जनरली क्या करते हैं हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसके वैल्यू में, जो शियर फोर्स की वैल्यू दिया होगा, तो वह जनरली क्या हो जाएगा आपका फैक्टर्ड शियर फोर्स वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जो जनरली इसमें कंसीडर करते हैं वो न्यूटन में जनरली इसको कंसीडर करते हैं। ओके, अब बात आती है बी और डी। यू नो बी डी व्हाट, तो ये आपको पता ही है, बी आपका विड्थ ऑफ बीम होता है, विड्थ ऑफ बीम होता है, विड्थ ऑफ बीम होता है, और जो डी होता है आपका, जो आपका डी होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। बस इतनी सी बात याद रखना, जो देखो होता क्या है कि जितने आपके फार्मूले बनते हैं, ठीक है, मैक्सिमम तो आपके फार्मूले जो होते हैं वो जनरली आईएस कोड प्रोविजन होते हैं तो मिल जाते हैं फार्मूले, लेकिन अगर इनके सबको रिमेंबर दैट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो, अगर नहीं याद है तो भी अगर
प्रिपरेशन को बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसा आपको उचित लगेगा आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, सीयर में फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। कब केस में, जब आपका टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स होता है तो, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है यहाँ पे, टाउ सी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ वी, ठीक है, टाउ सी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ वी, तो आपका जो फंड है वो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पे थोड़ा क्या कर सकते हो कि सीयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है गाइस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका तीन केस आपको मैंने आपको बता दिया, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, टाउ वी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, या फिर टाउ सी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ वी, तीन केस आपके पते हो गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसका क्या एक्चुअली में फार्मूला बनता है वो देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कितने टाइप्स, कितने लेग्ड, मतलब कितने लेग्ड के आपके जो छल्ले बनाए जाते हैं आपके कर्तन, ठीक है, सीयर इन्फोर्समेंट, वो उसको हम लोग देखेंगे, जिसको जल्दी हम लोग स्टीरअप के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सीयर इन्फोर्समेंट, सीयर रेनफोर्समेंट, सीयर इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि जो आपका डायगोनल टेंशन होता है उस पर जनरली क्या होता है, ठीक है, जो आपका डायगोनल टेंशन होता है उस पर जितने भी आपके टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो भी आपका कह सकते हो कि आरसीसी बीम में जो विफलता होती है कर्तन के प्रति, उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए, या फिर विकट तनन के प्रति, ठीक है, या फिर कह सकते हैं विकट तनन के प्रति सुरक्षित बनाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, सीयर इन्फोर्समेंट, जनरली सीयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। और इस सीयर इन्फोर्समेंट को हम लोग जनरली एक नाम से और भी जानते हैं, सीयर इन्फोर्समेंट को हम लोग जनरली वेव रेनफोर्समेंट भी कहते हैं, पेटा कह सकते हो हिंदी में इसको, जनरली पेटा प्रबलन भी कहते हैं, ठीक है, पेटा प्रबलन भी कहते हैं। अभी सीयर रेनफोर्समेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि जनरली साइट पे आपके यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो सीयर इन्फोर्समेंट देते हैं, हम तीन तरह से इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला आपका ऊर्ध्व छड़ों के रूप में कह सकते हो, या इसको वर्टिकल स्टीरअप बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल स्टीरअप। दूसरा कह सकते हैं कि बेंट अप बार के रूप में, बेंट अप बार के रूप में और थर्ड हो सकता है आपका तीसरा, मतलब सी, कि अगर हम जो आपका वर्टिकल स्टेप है या फिर बेंट अप बार है, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह बहुत कम देखने को मिलता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर वर्टिकल स्टेप को या फिर कहीं संयुक्त रूप से भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ही है जैसा आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस सब के सब क्या है आपके मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है एक्चुअली में, उसका हम लोग आगे थोड़ा जिक्र करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लें कि जो आपको सीयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कितने तरीके से किया जाता है। तो आपको मैंने बताया तीन तरीके से जनरली क्या होता है आपका किया जाता है, और जो इसमें आपका छल्ला होता है, ठीक है, उसका जनरली जो ब्यास लिया जाता है, ठीक है, जो स्टिरअप होता है वो आपका जनरली क्या होता है, जिसका ब्यास कंसीडर करते हैं हम लोग वो होता है आपका 6 mm से 12 mm तक प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें भी कई जो आपके वर्टिकल स्टिरअप होते हैं, एक टांग वाले भी हो सकते हैं, दो टांग वाले भी हो सकते हैं,
और आपके 4 से 6 भी होते हैं, ठीक है। ये सब अपने अलग अलग टांगों पे डिपेंड करता है, जैसा टांग वाला हम बोलेंगे वैसा इसको हम लोग क्या करते हैं बना लेते हैं। जैसे अगर बात करें टू लेग्ड, अगर बात करें टू लेग्ड तो कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग टू लेग्ड के केस में। ये इस तरह, ठीक है। ये आपको जनरली क्या होता है, ये जनरली आपका मेन बार होता है, मेन बार, और ये आपका ये होता है, ये दोनों ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं जनरली एंकर बार। क्या बोलते हैं? एंकर बार बोलते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो आपका एंकर बार होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्टिरअप को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपका टू हो गया। क्या करें अगर फोर लेग्ड की, तो कुछ इसका फिगर ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर यही अगर बात करें फोर लेग्ड की, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपका जनरली फोर लेग्ड होता है, ठीक है। ये जनरली आपका फोर लेग्ड होता है, ठीक है। ये आपके साइड पे बनते हैं, अगर आप साइड पे कभी अमूमन जाओ देखो वहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्शन काम होता है, तो आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हो सब चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह के आपके चीज़ों को देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो किस केस में प्रोवाइड किया जाता है। वो केस आपका होता है मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट के केस में, मतलब बात करें अगर मिनिमम शियर रिइन्फोर्समेंट की अगर बात करें, इन्फोर्समेंट की बात करें, तो जनरली इसका केस बनता है। केस ये होता है कि जो टॉवी होता है वो आपका क्या होता है, टाउसी से कम होता है, तब हम जनरली क्या करते हैं कि शियर में देखो फेल तो नहीं होगा आपका भी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर ही देते हैं, ठीक है। मतलब इतना कर दें कि ताकि मतलब लगे कि हाँ मतलब बीम फेल नहीं कर सकता है, ठीक है, शियर में। तो कहीं ना कहीं जब मिनिमम की बात आती है तो आपको उसमें एक छोटा सा फार्मूला कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट के केस में, वो आपका फार्मूला होता है ए एस वी अपान बी इंटू एस वी 0.4 अपान 0.87 FY, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकालना चाहो निकालना चाहो ए एस वी, एस वी निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, एस वी अगर निकालना चाहो इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको इससे भाग दो दोगे, या फिर हम अगर ये कहना चाहें कि अगर एस वी निकालना चाहें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एस वी 0.87 FY अपान 0.4 इंटू बी इंटू एस वी, ठीक है। ये आपको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो इसमें टर्म यूज़ हुआ है पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है। जो आपका इस फार्मूले में टर्म यूज़ हुआ है उसको तो जानना है, अदरवाइज फिर दिक्कत कर सकता है ना। चलिए, जो आपका एस वी होता है, जो आपका एस वी होता है वो छल्लों का अंतराल है, स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप, जो भी हम छल्ला यूज़ कर रहे हैं उसके बीच का क्या है, स्पेसिंग है, ठीक है। बी आपका जो होता है वो पता है विड्थ ऑफ बीम होता है, ठीक है। ए एस वी क्या होता है, ए एस वी क्या होता है कि जितने भी आपके जो छल्ले होते हैं, स्टिरअप होते हैं, समस्त टांगों का जो होता है क्षेत्रफल होता है, एरिया, समस्त टांगों का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। एफ वाई आपको पता ही है, एफ वाई ऑलरेडी पता है आपको, अभी लाचिक सामर्थ्य किसका,
आपका स्टील का, बस इतना सा याद रखना। और एक कंडीशन याद रखना, कौन सा जो हमने यहाँ पे आपको बताया था, का पड़े प्रोवाइड करने के लिए सीयर इन्फोर्समेंट, ध्यान से देखिएगा। कब आवश्यकता पड़ेगा, जब आपका टाउ भी जो होगा आपका लेस देन टाउ सी होगा, इस केस में आपका क्या होगा, मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कब हम प्रोवाइड एकदम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, नो सीयर इन्फोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड, नो सीयर इन्फोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो कंडीशन आपका होता है टाउ इज़ लेस देन 0.5 टाउ सी। इसको आप याद रखना, इस चीज़ को क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है। टाउ वी इज लेस देन 0.5 टाउ सी, ठीक है, 0.5 टाउ सी। इस केस में क्या होता है, नो सीयर रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका मिनिमम स्पेसिंग दिया जाता है, सॉरी मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ सीयर इन्फोर्समेंट, मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर सीयर रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट, इसमें क्या होता है, जो आपका जनरली जो वर्टिकल स्ट्रिप होता है और इंक्लाइंड बार होता है वेंटअप वाला, उस दोनों अलग अलग केस है। अगर मान लीजिए वेंटअप की बात करें, जो इसमें स्पेसिंग कंसीडर करते हैं वो आपका होता है 0.75 डी, या फिर होता है आपका 300 mm। इन दोनों में जो वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, उसको क्या करते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं, उसी को लेते हैं। अगर बात करते हैं इंक्लाइंड का, ठीक है, अगर अब हम बात करें इंक्लाइंड का, तो उस केस में जब आपका बनता है स्पेसिंग, वो आपका जनरली बनता है एस पी इज लेस देन टी, या फिर 450 mm, जो भी न्यूनतम हो, ठीक है, जो भी न्यूनतम हो, ठीक है, जो भी न्यूनतम हो उसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी आपका बहुत सारे, जैसे आपका वर्टिकल स्टेप मतलब जो प्रोवाइड किया जाता है, उसका भी स्पेसिंग कुछ अलग फॉर्मूले से हम लोग का सीयर इन्फोर्समेंट का केस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से इंक्लाइंड सीयर इन्फोर्समेंट के लिए भी फार्मूला है आपका, जब एंगल वगैरह दिया हो उसमें कंसीडर करना हो, ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, एक आपका छोटा सा न्यूमेरिकल अगर हम लोग तैयार कर लें तो मे भी शायद सही रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर तो काम हो जाएगा। जैसे सपोज डैट आपको बीम साइज दिया है, बीम साइज देने का मतलब इन द सेंस कि आपका जो बीम दिया है वह तर दिया था 250 × 450, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और आपका ESG जो दिया है आपका वो 20 mm डाया का, डाया का फोर नंबर ऑफ बार भी दिया है, ठीक है। शियर फोर्स दिया है, एक्ट कर रहा है कितना, 30 किलो न्यूटन, ओके। उसके बाद से आपका दिया है, हाँ कुछ नहीं बस, ठीक है, M20 ग्रेड का कंक्रीट दिया है और FE 415 ग्रेड का स्टील दिया है, और बोल रहा है कि आप सीयर में इसको क्या करो, चेक करो, किसमें, सीयर में आप इसको चेक करो। जब बोलता है सीयर में चेक करने के लिए, ठीक है, जब बोल रहा है कि सीयर में इसको चेक करिए, इसका मतलब इन द सेंस ये हो गया कि आपका जो बीम है वो ये जानना चाहता है कि क्या आपका जो इस सेक्शन के हिसाब से जो आपका बीम है सेफ है कि नहीं है, ठीक है, वो ये जानना चाहता है कि आपका जो बीम है वह इस केस में सेफ है कि नहीं है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा हमेशा जो गिवन डेटा दिया जाता है, ठीक है, जो गिवन डेटा होता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, ठीक है, हम लोग उसका करते हैं लिखते हैं। जैसे इसमें सारा कुछ जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा एक रिव्यू के लिए, ताकि हम आसानी से देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बी दिया आपका 250 mm, डी दिया आपका 450 mm, एस टी हम लोग निकाल ही लेंगे। एस टी कैसे निकालेंगे बताइए, एस टी निकालेंगे आप लोग पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू 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 क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार जो दिया था 4, उससे मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू को आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। और सी एफ फोर्स दिया आपका 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। तो इस 30 किलो न्यूटन को आप सबसे पहले क्या करिएगा कि 30 को क्या करना है, इस 30 को फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर सी एफ फोर्स बनाने के लिए 1.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू कुछ और आएगा, तो जो वैल्यू अब आएगा उस वैल्यू को उठा करके क्या करना है आपको, आगे के जो भी प्रोसेस है वहाँ पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, चलो गाइस, आई होप कि इस सवाल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और हम उस वीडियो में इसको क्या करेंगे, जो आपका सवाल अभी यहाँ पे रुका हुआ था, इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है, कि क्या जो आपका बीम है इस सेक्शन के हिसाब से क्या फेल है हो रहा है या फिर सेफ है, इसको हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए जितना हमने फार्मूला देखा है, जितना आपने कंडीशन देखा है, ठीक है, चाहे मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट की बात हो, चाहे आपका जो भी मैंने प्रोवाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से केस में बड़ सेक्शन बढ़ाना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, कितना स्पेसिंग मैक्सिमम रखना चाहिए, कितना इंक्लाइंड बार के लिए, कितना आपका वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, कब शेयर इन्फोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इस सब के सब के बारे में हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा छोटा सा, वो आपका एक क्वेश्चन के साथ होगा, ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते पता कर सकेंगे कि हमारा जो है बीम जो है सेफ है कि नहीं है, या फिर सेक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।